कल दिल्ली के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने वाले हैं स्टेट असेंबली के, और एग्जिट पोल के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। आप कैसे एग्जिट पोल के रिजल्ट्स को और कल के जो रिजल्ट्स को कैसे आप रिलेट करते हैं? क्या वो सच है कि उलटफेर होने की संभावना है? एग्जिट पोल के रिजल्ट के अनुसार ही दिल्ली का कल फाइनल रिजल्ट आएगा। बाहर की मीडिया में यह हाइप क्रिएट हुआ था कि बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उनके अंतर्मन में अगर झांक कर देखा जाए, उनकी राय ली जाए, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आपने अपने इस कार्यकाल में उनके जीवन स्तर को थोड़ा बेहतर बनाने का काम किया है। हो सकता है 6 सीटों का मार्जिन कुछ कम बेसी हो, लेकिन रिजल्ट में आपकी सरकार आ रही है। किस कारणों से आप बोल रहे हैं कि आपकी सरकार आ सकती, कौन कौन सी उपलब्धि आप गिना सकते हैं? मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में जो आम लोगों के जीवन में मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के जीवन स्तर को छूने वाले, इनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के काम है, उसमें पहला है स्वास्थ्य। जो मोहल्ला स्वास्थ्य का कार्यक्रम इन्होंने चलाया, मुफ्त में जांच, मुफ्त में टेस्ट और मुफ्त में दवाइयाँ, यह बहुत ही लोकप्रिय हुआ और बहुत लोगों ने इसको सराहा। इसको बाहर से भी, इस कार्यक्रम को बाहर से भी, बाहर के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी इसकी कहीं ना कहीं अखबारों में इसकी चर्चा हुई है। दूसरा है शिक्षा के स्तर पर, इन्होंने सरकारी स्कूलों में करीब 11,000 अतिरिक्त कमरों को जोड़ा, फी पे नियंत्रण रखा, तो जो आम लोग थे उनको लिए शिक्षा को इन्होंने सुलभ बनाया। और तीसरा, इन लोगों ने 20,000 किलो लीटर पानी जो यूज करता है उसको इन्होंने कहा कि बिना पैसे क्या उसको फीस नहीं लिया जाए, मतलब शुल्क नहीं लिया जाएगा, वह एक बात है। और चौथी है बिजली के शुल्क को 36% इन्होंने कम किया। तो ये जो 4 चीज़ें हैं इससे लोगों के जीवन में, लोअर और मध्यम वर्ग के जीवन को बहुत ज़्यादा टच किया, और जिससे लोग और उत्साहित थे कि अगली सरकार अगर आई तो 5 साल इनको और जीवन में बेहतरी आएगी। भाजपा की आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह गई कि उनका जो निराशाजनक प्रदर्शन रहा इस बार के दिल्ली इलेक्शन में? भाजपा की कमी रह गई कि भाजपा आपकी जो कमियां थी उनको भुना नहीं पाया। भाजपा अपने ही अंतर्द्वंद में जो 370 का मामला हो, CAA हो, इन सारे मामलों को जवाब देने में लगा रहा, और लोगों को लगा कि अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही, भले इसके पीछे मकसद नेक हो। और जो शुरुआती दौर में जैसे जो आप थी कि जो उनके मंत्रियों का, सोमनाथ भारती का मामला हो या और जो मंत्रियों का मामला हो, सर्टिफिकेट का मामला हो, इन सारे मामलों को आपने देख 1-1.5 साल के बाद इस चैप्टर को भुला दिया और विकास पे लग गए। और केंद्र सरकार से भी एक तरह से जो LG से उनका जो चल रहा था खींचातान, उसको भी उन लोगों ने उसको स्टॉप किया और मिलजुल कर आगे बढ़ने की कोशिश की एजेंडा पर। तो भाजपा अपने अंतर्द्वंद के कारण आपकी कमियां गिना नहीं पाई, और आप अपना अंतर्द्वंद भुला के केवल विकास पे आगे बढ़ते रह गए। आप अगर देख सकते हैं तो बाकी जो विपक्षी सरकारें हैं, CAA के विरोध में अपने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस पर प्रस्ताव पास नहीं किया है। तो वह नहीं चाहते हैं कि केंद्र के साथ जो विकास की राशि आती है या केंद्र के पास और सारे मामले हैं दिल्ली प्रदेश के, तो कोई कन्फ्रंटेशन न हो। इसका यही मुख्य कारण रहा, अरविंद केजरीवाल अपने अंतर्द्वंद को, 1.5 साल के अंतर्द्वंद को भुला के आगे बढ़े, और बीजेपी सारे अपने अंतर्द्वंद में फंसी रही और इनकी कमियों को गिना नहीं पाई। आपको इस दिल्ली रिजल्ट्स के भारतीय इलेक्शंस पे क्या इम्पैक्ट होने का आसार है? केजरीवाल और मोदी को आप कहाँ देखते हैं आज से? क्या तुलना किया जा सकता है अभी, कि अभी प्री मैच्योर है दोनों को तुलना करना? केंद्र की राजनीति पर अभी तो कोई इसका व्यापक असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मात्र 7 सीटें हैं दिल्ली में और विपक्ष बिखरा हुआ है। अरविंद केजरीवाल को कोई नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, और न अरविंद केजरीवाल का दिल्ली से बाहर कोई वैसी पकड़ या जानाधार या कोई पार्टी है जो बीजेपी को मैच कर पाए, RSS को मैच कर पाए, बीजेपी के संगठन को मैच कर पाए। तो देश के लेवल पे ऐसा कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हाँ,
विपक्षी राजनीति करने वालों के लिए एक यह जरूर ही मनोबल बढ़ाने वाला रिजल्ट है, और हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में लोग संगठित होने का शायद एक प्रयास हो, लेकिन वह हमें नहीं लगता कि होगा। हाँ, प्रयास लोग कुछ लोग करेंगे, लेकिन वह सफल नहीं होगा। मोदी से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि मोदी ने वहाँ राज्य के में भी शासन किया, केंद्र में भी शासन किया, और मोदी की पैठ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बढ़ गई है। अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पैठ नहीं बढ़ी होती तो कश्मीर के मुद्दे पर या और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर मोदी को इतनी सफलता नहीं मिली होती। हाँ, कुछ आर्थिक मुद्दे हैं जिनसे मोदी का विरोध किया जा रहा है, लेकिन किसी के पास वैकल्पिक मुद्दा नहीं है कि अगर वो आर्थिक मुद्दा न मोदी परसू करे या मोदी सरकार परसू न करे तो उसके एवज में दूसरा कौन कोई अल्टरनेटिव मॉडल है या नहीं। तो इस राजनीति से केवल एक तरह से इंडिकेटिव है, मनोबल बढ़ाने वाला है, और भारत के राजनीति पर इसका कोई बहुत व्यापक असर नहीं पड़ने वाला। ओके, थैंक यू।